युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, जिसमें जोश के साथ होश भी होता है, जो काल की चाल को बदल लेता है। कभी ना मत कहो, कभी ना मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, सभी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कायर है जो कहता है ये किस्मत है, वो मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। एक विचार ले, उस एक विचार को अपना जीवन बनाए, इसे सोचें, उसका सपना देखें, उस विचार पर जिए। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को इस विचार से परिपूर्ण रखें और हर दूसरे विचार को छोड़ दें। ये सफलता का मार्ग है। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे मजबूत रखो, दुनिया एक दिन आपके कदमों में होगी। जो भी आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे, यदि आप अपने आप को मजबूत मानते हैं तो आप मजबूत बन जाएंगे। अगर किसी दिन आपके सामने कोई समस्या नहीं आती तो आप समझ जाएं कि आप गलत रास्ते पर हैं। सभी शक्ति आपके अंदर है, उस पर विश्वास करो, कभी खुद को कमजोर ना समझे, खड़े हो जाओ और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपना लक्ष्य कम ना करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर हैं, हम खुद ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधेरा है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक कामयाब ना हो जाओ। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे अपने जीवन से निकाल दो। जब आप व्यस्त होते हैं तो कुछ कुछ आसान लगता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। किसी और के लिए इंतजार ना करें, जो भी आप कर सकते हैं उसे करें, किसी दूसरे पर अपनी उम्मीद ना बनाएं। एक समय में एक ही काम करो और इसे करते हुए अपना सब जोर इसमें डाल दो। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है, जब वे एक जगह केंद्रित होती हैं तो वे चमक उठती हैं। हर विचार जो आपको मजबूत करता है उसे अपना लेना चाहिए, और हर विचार जो आपको कमजोर बनाता है उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हमारी ही मानसिकता दुनिया का निर्माण करती है। विचार चीजों को अच्छा बनाते हैं और बुरा भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के कुछ कीमती और जरूरी विचार, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारने की जरूर कोशिश करें, जिससे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन जरूर आएगा और आप सफलता के रास्तों पर बिना रुकावट चल सकेंगे।